सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आईफोन के फिल्टर को अपने एंड्रॉइड मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो, मतलब कि जो आप नॉर्मल वीडियो को जैसे शूट करते हो आपको वैसे शूट करने हैं, लेकिन ये वाले फिल्टर को आपको अपनी वीडियो में अप्लाई करना है। जैसे आप इस फिल्टर को अपनी वीडियो में अप्लाई कर दोगे गाइस, तो आपकी जो वीडियो है वो एकदम आईफोन के समान हो जाएंगी। अच्छा, अब आईफोन के समान हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, आप जैसे इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे तो लोग इसको एकदम लास्ट तक के वॉच करेंगे, बारीकी से वॉच करेंगे, इसको ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन देकर जाएंगे, जिससे हो सकता है कि आपके रील्स वायरल हो जाए और आपके फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ जाए। अच्छा बोले, ऐसा होता है? ऐसा वीडियो को कैसे शूट करना है जिससे आपकी जो वीडियो है वो आईफोन के समान लगे, तो जानने के लिए आपको इस वीडियो का एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तो कैसे, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सबसे पहले करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। व्हाट इज अप एवरीबॉडी, माय नेम इज फरदीन एंड यू आर वॉचिंग फरदीन टेक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए वो फिल्टर को आपको कैसे डाउनलोड करना है। उस फिल्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब डाउनलोड हो गया हो, अब वहाँ से उसको आपको VN ऐप में कैसे इंपोर्ट करवाना है और अपनी वीडियो में उसको कैसे लगवाना है वो तो ये बताने के लिए गाइस मेरे को आपको लेके चलना पड़ेगा मेरे फोन की स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ से तो मैं उतना नहीं बता सकता ना, तो इसके लिए गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फोन की स्क्रीन। सो गाइज, आपको ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप जैसे उसके ऊपर मैं टैप करूँगा आपके सामने डाउनलोड वाला सेक्शन खुलेगा, आपको जस्ट वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप इसके ऊपर मैं टैप करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट टू VN ऐप। अगर आपके मोबाइल में VN ऐप है तो ऐसा दिखा सकता है, अगर आपके मोबाइल में VN ऐप नहीं है तो पहले VN ऐप को डाउनलोड करो फिर ये फिल्टर्स को डाउनलोड करना। तो गाइज, हमने अपने मोबाइल में VN ऐप तो है इसलिए हम डायरेक्ट इंपोर्ट टू VN ऐप पे टैप करेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर टैप करा तो हमारे सामने VN ऐप जो है वो ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर में जो फिल्टर्स दिख रहे हैं आपको उसके ऊपर में टैप करना है, फिर वहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, फाइल मैनेजर पर टैप करना है। यहाँ से गाइज, यहाँ से आप ZRChiever में चले जाओ और यहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके जहाँ आपने वो फाइल को अभी डाउनलोड करा था आपको उसके ऊपर में चले जाना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, पूरे जो फिल्टर्स है वो हमारे मोबाइल में आ गए। अब आपको जस्ट बैक आना है और VN ऐप के जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर में आ जाना है। अब आपको जस्ट नीचे में जो प्लस वाला ऑप्शन दिया है आपको उसके ऊपर में टैप करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है, फिर यहाँ से आपको कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको कलर ग्रेड करना है, मतलब जिसको एडिट करना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जस्ट नीचे में जो फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको उसके ऊपर में टैप करना है और यहाँ से आपको सेकंड वाला फिल्टर जो है वो लगा देना है जिसमें लिखा है विविड विविड। तो ये तीन चार फिल्टर है गाइस, तो आपको इसको लगा लेना। जैसे आप इसको लगाओगे तो आप देख सकते हो एक क्लिक में हमारी जो वीडियो है वो पूरी एडिट हो चुकी है, उसके ऊपर में कितना अच्छा कलर आ चुका है, पूरा आईफोन के समान हमारी वीडियो लग रही है। तो आप ऐसा करते करते और भी जो फिल्टर थे आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं इसमें कुछ एडजस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह, तो आप एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाकर उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो वैसे अब आपको जस्ट क्या करना है, ऊपर में जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है आपको उसके ऊपर में टैप करना है, फिर यहाँ पे इसको फुल 1080p में एक्सपोर्ट कर लेना है।